ये अपना एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल मेरे को बहुत ज़्यादा पेन थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कल सारा दिन सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ड्रेप्स, ये सब चलता रहा। दिन भर मुझे सोने नहीं दिया गया। रात में भी मेरे को 11 साढ़े 11 बजे तक ड्रिप्स लगती रही। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को कुछ आराम चाहिए, मुझे प्लीज़ सोने दिया जाए। अब मैं समझती हूँ ये उनका काम है, पेशेंट को आराम देना। बट अगर अस्पताल में आदमी आता है तो उसे कुछ सोने की भी ज़रूरत होती है। चलिए किसी तरह 11:30 12 बजे मैंने ड्रिप रुकवाई और मैंने थोड़ी सी सोने की कोशिश की। उसके बावजूद सुबह सुबह 5 बजे सबसे पहले एक जना आया सफाई करने के लिए। चाय चाय दीजिए। फिर उसके थोड़ी देर बाद चाय लेके आ गए। फिर उसके थोड़ी देर बाद स्पॉन्ज करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए आ गए। फिर उसके थोड़ी देर बाद, अभी 6 नहीं बजे थे, 6 बजे से पहले पहले ही फिर ब्रेकफास्ट आ गया। फिर नर्सेज आ गई इंजेक्शन और दवाइयाँ देने के लिए। तो मेरी आप सबसे ये एक क्वेश्चन है कि जब एक बीमार आदमी हॉस्पिटल में आता है तो किस लिए आता है? आराम करने की, खज्जल खवार होने के लिए? मतलब ये जो इनकी सारी ड्यूटीज़ हैं, ये सब अगर 8 बजे से भी शुरू कर दें या 7 बजे से भी शुरू कर दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उतने पेशेंट्स ये फिर भी अटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर तो कल पूरे दिन में 2 मिनट के लिए आया था, उसके बाद तो अभी तक आया नहीं। तो डॉक्टर्स ने तो आना नहीं, जो भी हैं हम जो मरीज़ हैं वो सिर्फ नर्सेज के सिर पे ही हैं। तो वो नर्सेज हमें 5 बजे अटेंड करने की जगह अगर 8 बजे अटेंड कर लेंगी तो हमें भी आराम मिल जाएगा, और जो हमारे साथ अटेंडेंट होते हैं जो सारा दिन कल से मेडिसिन ले, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी इधर लेके आ कभी घर जा, कभी घर से सामान ला, जो कितना परेशान घूम रहे थे अटेंडेंट जो आपके साथ में होता है, जो सुकून से सोने की कोशिश कर रहा है सुबह, उसकी भी नींद ख़राब, आपकी भी नींद ख़राब। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहती हूँ, आप ठीक होने के लिए आते हैं कि बीमार होने के लिए आते हैं? अगर इसका प्रश्न का उत्तर किसी के पास भी हो तो प्लीज़ मुझे जवाब ज़रूर दें।